पटना के खवल थाना क्षेत्र के डॉक्टर शंभु शरण सिंह से 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले बदमाश को स्थानीय पुलिस ने चंद घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बदमाश मनेर थाना क्षेत्र के लोधीपुर का रहने वाला राघवेंद्र पांडे है। पुलिस ने उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया जिससे उसने रंगदारी की मांग की थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए बदमाश को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि मोती चौक स्थित अपनी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर शंभु शरण सिंह ने खवल थाने में अज्ञात बदमाश के खिलाफ लिखित शिकायत की थी। उनके कंपाउंडर राजू का मोबाइल क्लिनिक से चोरी हो गया था। वहीं शनिवार की दोपहर कंपाउंडर के चोरी हुए मोबाइल से नंबर से एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। फोन पर उसने कहा कि कल तक उसे 3 लाख रुपए पहुंचा दे, नहीं तो उनके क्लिनिक में हमेशा के लिए ताला लटका दिया जाएगा। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्वतर कार्रवाई करते हुए उक्त बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। हुआ था ये कि जब हम आए 3 बजे तो हमारे पास 3:15 के आसपास एक फ़ोन आया। जब फ़ोन आया तो उसे फ़ोन कंपाउंडर का था, लेकिन उसके पहले हमको पता चला कि कंपाउंडर का जो मोबाइल है वो क्लिनिक से 11 बजे के आसपास चोरी हो गया। चोरी हो जाने के बाद फिर वो जो 3 बजे के आसपास उसी मोबाइल से हमको फ़ोन किया, तो इसका हम नंबर देखे तो उठा लिए क्योंकि स्टाफ का बात था। उठाने के बाद वो बस वहाँ से वो गाली गलौज शुरू कर दिया। गाली गलौज शुरू करने के बाद वो बोला कि हमको 3 लाख रुपए दो और नहीं तो तुम्हारा जो है क्लिनिक में ताला बंद कर दिया। थाना में एक सूचना प्राप्त हुई कि एसके क्लिनिक के ओनर डॉक्टर शंभु शरण जी के कंपाउंडर का मोबाइल चोरी हो गया था। खबर थाना में ये एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। उसके पश्चात यह सूचना प्राप्त हुई कि उसी फ़ोन से डॉक्टर शंभु शरण जी को फ़ोन आया कि 3 लाख रुपया वो दें, नहीं तो उनका क्लिनिक बंद करवा दिया जाएगा। खबौल थाना में यह एफआईआर दर्ज करते हुए अनुसंधान तुरंत प्रारंभ किया गया और फ़ोन को ट्रैक करके मनेर से एक व्यक्ति का जो है गिरफ्तारी की गई। उस व्यक्ति के पास से फोन भी बरामद हो गया है और उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसी के द्वारा ये कोशिश की गई थी कुछ पैसा बनाने की उस फोन के माध्यम से। व्यक्ति का नाम राघवेंद्र पांडे है जो लोधीपुर मनेर का रहने वाला है। उसको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आगे की कार्रवाई जारी है।